अजमेर एसीबी ने 5,000 की रिश्वत रंगे हाथ लेते हुए गिरफ्तार हुए पुलिस हेड कांस्टेबल को आज एसीबी न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से न्यायाधीश ने आरोपी हेड कांस्टेबल जयपाल को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए हैं। इस मामले में एसीबी अपनी जांच में जुटी है। जानकारी देते हुए वकील सत्यनारायण ने बताया कि बुधवार को अजमेर एसीबी की ओर से रिश्वत के मामले में कार्रवाई की गई। इस दौरान एसीबी ने परिवादी की ओर से शिकायत दी गई कि उसके खिलाफ श्रीनगर थाने में धारा 151 का मुकदमा दर्ज है। इस मुकदमे में राहत देने के एवज में हेड कांस्टेबल जयपाल सिंह द्वारा 10,000 की रिश्वत की डिमांड की गई थी। वही इस मामले में 2,000 रुपये पहले ही दे चुके थे, लेकिन उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। एसीबी ने मामले का सत्यापन करवाते हुए आरोपी हेड कांस्टेबल जयपाल को 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसके ठिकानों और घर पर भी दबिश दी। इस मामले में आज आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। आज से न्यायाधीश ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दे दिए। इस मामले में अजमेर एसीबी अपनी जांच में जुटी है। ये अजमेर के श्रीनगर थाने का मामला है, जिसमें हेड कांस्टेबल है थाने का जयपाल सिंह, उसके पास परिवादी ने शिकायत करी थी कि उसके शामलाती खेत से बजरी निकाली जा रही है मिलीभगत करके पुलिस वालों से, तो उसी के खिलाफ ही इसने कार्रवाई करके और उसको पाबंद गिरफ्तारी का धमकी देकर उससे रिश्वत की मांग करी, जिसमें 2,000 रुपये तो उसने मांग सत्यापन के समय ले लिए और 5,000 रुपये और मांगे, और 5,000 रुपये रिश्वत के साथ में इसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कहाँ का मामला है? थाना श्रीनगर का मामला है। कितनी रिश्वत मांगी थी? 7,000 रुपये मांगी इसमें। कितने का ट्रैप था ये? 5,000 रुपये का है ट्रैप, तो 5,000 रुपये का है जी। हाँ, थाने पे हेड कांस्टेबल है श्रीनगर थाने पर। आपका नाम? सत्यनारायण चितारा, सहायक निदेशक अभियोजन एसीबी कोर्ट अजमेर। आज मैंने इसको न्यायालय में पेश करा सीआई नरेश चौहान के जरिए, जहाँ से इसको दिनांक 8/8/23 तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।